मैं नगर निगम में आके पी रही हूँ चाय, क्योंकि भूख लग रही थी और मुझे लगा आज मैं सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं। आज भी बहुत डिले कर दिया इन्होंने, तो मैं हेज़ल और हेज़ल का मामू, हम तीनों आए, चाय इन्जॉय कर रही हूँ। बस 10 मिनट में हम लोग फ्री हो जाएंगे, आए हुए तो 1 घंटा हो गया हमें। वैसे मंडे का बोला था, लेकिन आज देख लो, आज कौन सा डे है, वेनसडे ना, वेनसडे हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे ये देखो इन दोनों की मस्तियाँ देखो। ये इसके बालों से मस्त खेलती है। अरे बाप रे, अरे भाई क्या कर रहे हो हेज़ल, आप मामू के साथ क्या कर रहे हो आप, छोड़ दो मेरे भाई को, मार रहे हो मेरे भाई को, छोड़ो हेज़ल, छोड़ दो प्लीज। तो हेज़ल की मस्ती देखो आप, ये तो बस इसे तो बस अपना मामू चाहिए है? ये देखो आप क्यूटी पाई, क्या कर रहे हो, लटक गए पूरे। अब देखना मैं किस भी कर रही हूं, देना हेज़ल, हेज़ल नहीं करा, पोपट हो गई मामू। तो चंदन का जूम करके मुंह देखो आप। सो अब खिड़की नंबर 4 पे बुलाया हमें, आ गया सर। सो फाइनली बन चुका है मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और अब मैं ऑफिशियली शादीशुदा हूँ। सो इस नगर निगम में तो हमारा काम हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं नगर निगम, कौन सा वाला है वो स्टेडियम के पास, कौन सा एरिया बोलते हैं उसको, एसडीएमएच के पास है। क्योंकि ना हेज़ल है ना एसडीएमएच में हुई थी ना रामबाग की तरफ, तो उसका इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वैसे तो बन चुका था उसी टाइम, बट उसमें ना मदर का नेम है ना नीतू ही आ रहा है, नीतू शेखावत नहीं आ रहा है, तो इस वजह से उसका ना आधार कार्ड, तो हम लोग उसी को ठीक करवाने जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए था, मेजर जनरल। तो मेरे तो अब हम लोग जा रहे हैं नगर निगम, होप सो कि वो है ना खुला हो, एक्चुअली बंद ना हो जाए क्योंकि डेट तो बज चुके हैं और 4 बजे बंद हो जाता है। हीज़ू है ना खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान कर देती है, बच्चा क्या कर ले, क्या कर ले, अच्छा खिड़की में से देख लो, खिड़की में से देख लो, तो अब ये नहीं मानेगी, गिर जाएगी ये तो। चलो गाइस बाद में आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ, ये मान ली। सो हम लोग पहुंच चुके हैं नगर निगम और हेज़ल सो गई थी बट अब उसे उठ नहीं था तो उठाया उसको, मुझे लगा सोती रहेगी लेकिन नहीं सोई, उठ गई। ये देखिए मौसम भी अच्छा हो रहा है तो आज गुस्सा भी नहीं आएगा, मुझे धूप में परेशान हो जाते हैं। हेज़ल क्या दिख रही हो बेटा, क्या दिख रही हो हेज़ल, क्या दिख लियो, क्या दिख लियो, किसको दिख लियो बच्चा, किसको दिख लिया मेरा प्यारा बच्चा, गर्मी में गर्मी लग ली मेरे चांद को। तो हेज़ल कंटिन्यू अपने पापा को मिस कर रही है, या तो ये पापा बोलती है या नाना बोलती है, सी इन दोनों को ही मिस करती है। हेज़ल पापा परेशान हो गया मेरा बेटा आज तो, है आज तो हेज़ल ही परेशान हो गई है। तो वैसे हमें एक गुड न्यूज़ और है, अभी मिल जाएगा। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप सभी, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आपने देखा होगा आज का जो दिन है ना, मतलब इतना मुश्किल से निकला भाई साहब, इतना थक गए हम लोग, सुबह से मैंने कुछ खा नहीं रखा था, मैंने सोचा अभी 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन भाई साहब ये जो होता है ना बर्थ सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट ये बनाना, बाप रे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आपने देखा था पिछले कुछ टाइम पहले व्लॉग में कि मैंने ना मैरिज सर्टिफिकेट बनाया था, तो आज मैं उसको लेने गई, तो मुझे लगता है कि सिंपल सी ऐसे ले लेते होंगे कि जाके और वो स्लिप देते हैं, वो देनी पड़ती है, बट उसको छोड़ के भी बहुत सारा प्रोसेस होता है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक गई। फिर उसके बाद में मैं नगर निगम जो हमारे रामबाग के पास में वहाँ गई, क्योंकि हेज़ल वहीं मतलब एसडीएमएच में हुई थी, तो वो नगर निगम उसके लगता है, तो वहाँ उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना। और सबसे अच्छी बात कि एक दिन में, मतलब बना तो पहले से रखा था उसमें, लेकिन उन लोगों ने क्या करा, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स गए थे वो नीतू के नाम से गए थे, तो नीतू शेखावत आता है,
तो जब मैं आधार कार्ड बना रही हूँ हिजल का, तो वहाँ मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि नीतू शेखावत होना चाहिए, लेकिन हिजल के बर्थ सर्टिफिकेट में सिर्फ मम्मा का नाम नीतू ही रखा हुआ है। तो फिर वो चेंज करवाने के लिए मैं वहाँ गई और पूरा शपथ जो भी होता है शपथ पत्र होता है उस पर लिखना और आधार कार्ड वगैरह बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, बहुत ज़्यादा थक गए। उसके बाद में सेम डे निकालना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने निकलवाया, पता है कैसे है भगवान मेरा जी जाने, मैं गई थी आपको पता है कितनी बजे मैं गई थी, शायद 1 बजे के आसपास गई थी। और आप टाइम देख सकते हो क्या हो रहा है, अभी मैं आई थी, अभी तो हो रहा है इतनी है ये घड़ी आई थी खराब हो गई, 4 ही बज रहे हैं इसमें, 4 नहीं बज रहे एक्चुअली 5, 5:30 हो रहे हैं, ये 1 घंटे पीछे चल रही है शायद। तो बहुत ही मतलब मुश्किल से बना यार, और आज का दिन तो बस फिर मैं वो चीज़ क्या ही दिखाती आपको पता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन खुद तक गई, एक हाथ में हेजल एक हाथ में कागज। तो वैसे मतलब ऑफिसर्स भी काफ़ी अच्छे थे वहाँ के, बहुत हेल्पिंग नेचर के थे, तो फटाफट उन लोगों ने कर दिया था, एक दिन में फ्री कर दिया मुझे कि कल आपको आना नहीं पड़ेगा कल आपको, क्योंकि बच्चा आपके हाथ में कल भी परेशान हो गए तो आज ही हम निकाल के दे देते हैं। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे बहुत ही अच्छे थे, और तो बस आज का दिन ऐसे ही निकला है पूरे दिन। और हिजली बहुत परेशान हो गई, खाना वाना सब बाहर से खाया मैंने भी, और वो दिखाया नहीं क्योंकि यार इतनी भूख लग रही थी ना कि कैमरा निकालने का मन ही नहीं कर रहा था, अटैक करने का मन कर रहा था, तो वो मैंने नहीं दिखाया। तो बस ऐसे ही कुछ दिन रहा है। अब मैं नीचे आई थी, मैं सोचा लाइक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख देती हूँ अपनी जगह, क्योंकि कल मैं वापस जाने वाली हूँ हेजल का आधार कार्ड बनवाने के लिए। फिर उसके बाद मैं कल मेरा भी आधार कार्ड अपडेट करवा लूँगी, मैं अब मेरे हस्बैंड का नाम आ जाएगा मेरे आधार कार्ड में, मेरे पापा का हट के, तो वो भी करवाना है। उसके बाद मैं बस पासपोर्ट बन जाएगा फिर मेरा फाइनली, तो पासपोर्ट के चक्कर में बहुत ही चक्कर पड़ गए। तो चलो ये भी अच्छा हुआ कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए, नहीं बाद में भागना पड़ता, करवाना तो पड़ता ही, क्योंकि ये तो एक काम है और ये ज़रूरी काम होता है आप सभी को पता है। तो बस बाल बाल कुछ भी नहीं बनाए हुए थे, कल के बनाए हुए थे, तो आज तो बस पोनी भी नहीं बनाई मैंने सुबह से, ऐसे ही भागे जा रही हूँ, ऐसे ही भागे जा रही हूँ। तो देखो अब क्या होता है, बस घर पे आई हूँ, घर पे आने के बाद मैं कपड़े तो मैं यही पहन के गई थी, लोअर टी शर्ट्स, क्योंकि बहुत थक जाते हैं ना, तो ये मतलब घर के लोअर टी शर्ट में एकदम कम्फर्ट रहते हैं एकदम मस्त मजे से। तो अभी मैं जाती हूँ हेजल के पास, और आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो यार, ऐसे ही प्यार अपना देते रहना हमेशा, और सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मुझे इन दिनों, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं जा रही हूँ, चलो हेजल के पास। तो वैसे हमारा 3 फ्लोर का घर है, नीचे रेंट पर दे रखा है, सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर हम लोग रहते हैं, तो हेजल का जो रूम है ऊपर थर्ड फ्लोर पर है, तो बस वहीं जा रही हूँ मैं। हेजल कम नानू से बात कर ले, हेजल क्यों थी नानू बात कर रहा था, तो नानू से बात कर रही, मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती उसको, तो मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो यार नीचे की जो घड़ी थी ना वो खराब थी, तो मैं यहाँ आपको टाइम से बताती हूँ, देखो क्या टाइम हो रहा है, तो टाइम हो रहा है ये 5:30 हो रहा है, मैंने कहा था ना कुछ 5 बजे के आसपास आई थी मैं, तो फिक्स 5 बजे मैं आई थी, और अभी 5:30 हो रहे हैं, मुझे आए हुए आधी घंटा हो गया, तो फिर मैंने अब शूट किया, मैंने मुंह कुछ भी नहीं धो रखा सुबह से, मतलब बहुत ही थकावट हो रही है, अब बस सोऊंगी। ये बहुत पापा बोलती, मम्मी तो एक दिन भी नहीं बोलती, मम्मा बोल मेरे बाल यार, ये मेरे बाल बहुत गंदे तरीके से पकड़ती है, बालों को छोड़ दो इसे, बालों को छोड़ दो प्लीज क्यूटी पाए। अरे गुच्छा हो जाता। तो आजकल ये पता है इसे गुस्सा होना सीख गई, तो इसको जब गुस्सा आ जाता है तो ऐसे उल्टी हो जाती है। गुस्सा हो गया क्या बच्चा, गुस्सा हो गया बच्चा, थोड़ी ब्लर आ रही है।
सो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुबह से। आपको पता है सुबह मैं जल्दी भी उठी थी, आपको तो कैसे पता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि आज पापा गए थे, तो क्योंकि 15 अगस्त को आए हुए थे ना पापा, तो मॉर्निंग में निकले थे तो उन्होंने जल्दी जगा दिया था 4 बजे, तो 4 बजे से उठी हुई थी। फिर उसके बाद मैं नगर निगम गए और फिर मतलब थक गई बहुत ही ज़्यादा, मुझे भयंकर नींद आ रही है। फिर को मैंने सुला दिया, अब मैं जा रही हूँ सोने। और दोस्तों कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, गुड डे। मेरे तो गुड नाइट है, आपका गुड डे होगा क्योंकि आप ये जो व्लॉग है वो कल देखोगे, तो आपका गुड डे होगा, गुड डे है।